देव गुरु बृहस्पति के अनुसार इसका निर्माण असुर लोक में हुआ है। असुर लोक से तो केवल देवी पौलमी ही है। भैरव मुझे बहला फुसला कर इस घर में लेकर आए और आज जब मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता हम अपने पति की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। ठीक है ये आपके पति हैं, लेकिन शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं है कि किसी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दे। कृष्णा को न्याय मिलेगा और हम उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। माना कृष्णा कि तुम्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे धैर्य से शादी नहीं हो सकती। मतलब आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इस बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? बोले देखिए हमें आपके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जब तक तलाक नहीं हो जाता आपको रुकना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और अगर तलाक के बाद ये शादी करने को तैयार हैं, तो ठीक है, वरना कोई कंपनसेशन या कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। हमारा तो सारा प्लान चौपट हो गया। धैर्य सर की बीवी होने के नाते समझा रहे हैं, हमारे रास्ते में मत आइएगा। वैसे रास्ता काटने वाली बिल्लियों का अंजाम क्या होता है वो तो आपको अच्छे से पता होगा। थैंक गॉड संतोषी ने मुझे बचा लिया। हमारी बाजी तो उल्टी पड़ गई, अब धैर्य हमें एक झटके में बाहर फेंक देगा। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और वहां जाकर धैर्य के अगेंस्ट रेप केस दर्ज करवाऊंगी। लेकिन कृष्णा पुलिस भी तो तुम्हारी गलती देखेगी। अगर धैर्य के घर तुम्हें आना था तो तलाक के बाद आना चाहिए था। हे देवी पौलमी अब आप ही मेरी मदद करिए। पुत्री इस समय हम स्वयं ही अत्यधिक तनाव में हैं, किंतु शीघ्र ही हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारी रक्षा करेगा। माते संतोषी के द्वारा लिया गया निर्णय अत्यंत ही प्रशंसनीय है। कदाचित उसके और उसके पति के संबंध पुनः संभल जाएंगे। गौ माता संतोषी ने केवल अपना धर्म निभाया है, उसने धैर्य को क्षमा नहीं किया। क्या जरूरत थी हाँ इनके बातों में आके तुम धैर्य के खिलाफ चली गई? कृष्णा समझ में नहीं आते तुझे? मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और आप लोग के हो गया ना आप लोग को, प्लीज चले जाइए। ये दोनों माँ बेटी पागल हैं। चल सुनीता। हाँ ये दोनों औरतें बहुत खतरनाक हैं, संभल के रहना। हाँ हाँ जाइए यहाँ से। चलो तुमने सोचा कैसे हाँ कि धैर्य तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा? ये मॉम सडनली चेंज कैसे हो गई? मॉम आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं इन औरतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आई एम सॉरी मॉम सॉरी। माफी मुझसे नहीं कृष्णा, माफी धैर्य से मांगो। मैं पता भी है कि धैर्य को तुमने कितनी तकलीफ दी। माफी मांगो धैर्य से। मुझे माफ कर दो धैर्य, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे धैर्य। आज मैं सिर्फ संतोषी के कारण बचा हूं, मुझे उससे बात करनी होगी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं यूं ही खड़े तुमसे माफी मांगती रहूंगी। धैर्य धैर्य।
अरे अजीत जी, अब बताओ भी काहे के लिए बुलाया है? अब हम सोच रहे हैं कि मामला तो अब सब सिमट ही गया है, है? अब ना तो गुड्डू पुलिस वाले के पास गया और ना ही उसने गहने ढूंढवाए, अब तो क्यों ना अब हम लोग गहने बांट लेते हैं, है? छुटी एक बात बोले, वो कमर बंद ना वो हम ही लेंगे, का बताए जब से उसे पहली बार देखा है ना प्राण अटके उस पे, ठीक है? लड़की बाबा जी एक बात बताओ, आजकल क्या दिन में सपने देखने लगी हो? अरे जी तुम क्या कह रही हो, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तबीयत वबीयत खराब है क्या, है बुखार बुखार तो नहीं होगा तुमको? हे देवर जी, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? हाँ अरे जी जी, हम कहा नाटक कर रहे? जवाब देखा, बेईमानी की ना भगवान जी ने सजा दे दी। यार बड़की बाबू जी एक बात बताओ, ये यहाँ कुछ लिखा है क्या हमारे? कुछ ना लिखा है। उल्लू के दुम नहीं है हम कि अपने बेटे और बहुरिया के जो गहने हैं वो किसी पड़ोसी को दे दे। पड़ोसी को? देवर जी ये पड़ोसी ने ही मदद की वो गहने चुराने में। हाँ अब गहने मिल गए हैं तो हमें ठेंगा मत दिखाओ। अच्छा, जिसे तुमने हजारों बार हमको चटनी नहीं चटवाई है तो छोटी जैसे को तैसे ही किया जाता है। वैसे तो किया जा रहा है। अगर हमारा हिस्सा ना दिया ना तो अभी जाकर गुड्डू शर्मिली को हम सब बताए देते हैं। हाँ। जा जा, जिसको जो बताना बता दो। फंसेंगे तो साथ फंसेंगे, याद रखना। बात तो सही है, अगर हमने इनकी पोल खोली तो हम भी बेमौत मरेंगे, फिर क्या करें? हाँ, तुम दोनों मिलकर हमारा आधा हिस्सा खा रहे हो ना, अब हम तुमसे पूरा वसूलेंगे। माँ हमने जो किया ठीक किया ना? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब सब जानते हैं कि आप भी धैर्य भैया से प्यार करते हो। ये हमने जो कुछ भी किया है वो धैर्य सर के प्यार के लिए नहीं किया, बल्कि अपने सिंदूर के प्रति जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे रुद्राक्षी। ओफो दीदी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जो कुछ नहीं समझ पाऊंगी। संतोषी बेटी, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। काका, थैंक यू संतोषी, तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। काका, ये हमने जो कुछ भी किया है सिंदूर के लिए किया है, वो सिंदूर की कीमत समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए सिंदूर सबसे ऊपर है। अगर मैं कृष्णा को इस घर में नहीं लाया होता ना तो ये सब कुछ कभी नहीं हुआ होता, सब मेरी गलती, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। देखो बेटे, जो हुआ सो हुआ, अब बेटे तुम आगे की सोचो। जी पापा, लेकिन अब अपनी गलती को सुधारना ही मेरे लिए प्रायश्चित होगा, और इन मां बेटी की जो असलियत है ना वो मैं सबके सामने ला के रहूंगा, ये ठान लिया मैं। महादेव, देवलोक में इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, आपको सब कुछ ज्ञात था, किंतु आपने हमें सूचित नहीं किया। ब्रह्मदेव, कभी कभी छुपे हुए शत्रुओं को समक्ष लाने के लिए
अभिनय का सहारा भी लेना पड़ता है। महादेव, शत्रु की पहचान हो गई, देवी पौलमी के विरुद्ध सारे साक्ष्य मिल गए हैं, तो फिर न्याय में विलंब किस बात का? महादेव, देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में देवी पौलमी के ऊपर कोई भी कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ब्रह्मदेव, जिसने त्रुटि की है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सभा में अभी केवल यही बिंदु उठाई। एक ओर असुर राज हमारी सहायता नहीं कर रहे और दूसरी ओर ब्रह्मदेव साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। समझ नहीं आ रहा हमारी सहायता कौन करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्ष। देवी पौलमी, देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक समस्त सृष्टि के नियम के विपरीत जो अराजकता का प्रचार हुआ है उसके समस्त सूत्र आपकी ओर संकेत कर रहे हैं देवी पौलमी। हमारा आकलन सही निकला, अब इस दुविधा से कैसे बचेंगे हम? नारायण नारायण। देवी, आप कुछ विचार कर रही हैं? देवर्ष, प्रत्येक बार हम पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्या आपको भी हम पर संदेह है? संदेह? वो भी आप पर? नारायण नारायण, कदापि नहीं देवी पौलमी, कदापि नहीं। किंतु हाँ, परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव की जांच पर भी संदेह नहीं किया जा सकता। हम तो केवल आपको ये सूचना देने आए हैं कि आपको देव न्यायालय में उपस्थित होना ही होगा, और यदि यदि आप दोषी सिद्ध हुई तो आपको कठोर दंड भी मिल सकता है देवी पौलमी। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र अपने बचाव का प्रयोजन शुरू कीजिए। अब हमें आज्ञा दे देवी पौलमी। नारायण नारायण। कहीं ब्रह्मदेव को हमारी असुरी शक्तियों की जानकारी तो नहीं हो गई? ये सब देवी संतोषी के कारण ही हो रहा है। पता नहीं इस संकट से हम कैसे बचेंगे। मैंने कहा था ना, सोच समझकर कदम उठाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी। अब देखा, धैर्य तुमसे और दूर चला गया। ये प्लान तो एकदम फूल प्रूफ था, पता नहीं ये प्लान फेल कैसे हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अब कौन सा रास्ता? अगर धैर्य मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो तृष्णा? जरा सोचो, धैर्य के बिना तुम एक पल भी जी पाओगी? ये सब पागलपन छोड़ो और तृष्णा दिमाग से काम लो। मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या आइडिया है बता दीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने देखा था जब संतोषी मां बनने वाली थी तो धैर्य किस तरह उससे जुड़ा हुआ था? आप कहना क्या चाहती है मॉम? बच्चा एक माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है तृष्णा। अगर हम धैर्य को यह एहसास दिला सके कि ये बच्चा उसका है तो हमारा काम हो जाएगा तृष्णा। नहीं मॉम, ये इम्पॉसिबल है। धैर्य तो डीएनए रिपोर्ट्स पर भी बिलीव नहीं कर रहा है, उसे हमारी बातों पर यकीन कैसे आएगा? नहीं तृष्णा, इस काम में समय जरूर लगेगा लेकिन ये प्लान सफल होगा। तुम बस कल सुबह तक इंतजार करो, फिर देखो। सुंदर घर है बाबा। हाय 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 हाय।
आई हो। बधाई। इसकी गोद भर आई है क्या? ऐसे तेरे बधाई हो। कृष्णा, ये सब तुम्हारे गोद भराई की रस्म के लिए आए हैं। जाओ, तुम जाके तैयार हो जाओ। हाँ, मैं यहाँ के थोड़े सजावट करवा देती हूँ। माँ, आपको पता है ना तेरे कितने गुस्से में है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कृष्णा, अपना मुंह बंद रखो। हमें धैर्य को सोते जागते उठते बैठते एहसास दिलाना होगा कि ये बच्चा उसका है। तो ही तो हमारा काम होगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो। तैयार हो जा। इससे बुरा दिन जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। ये सब देखने से पहले हम दीदी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। माता का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। माता का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। आशा न मोड़ो, निराशा न मोड़ो। आशा न मोड़ो, निराशा न मोड़ो। देवी का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। माई का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। आशा न मोड़ो, निराशा न मोड़ो। आशा न मोड़ो, निराशा न मोड़ो। देवी का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। माई का भवर बड़ी दूर। अच्छा अच्छा, तो अभी रस्म शुरू करें। ये गोद भराई की रस्म है, तुम्हारा बच्चा बिना रीति रिवाज के तो पैदा नहीं होगा ना? हाय हाय बच्चे के पापा, रस्म और रिवाज तो करने पड़ेंगे। हाँ। ए, नाच रे। ए माता का भवर बड़ी दूर, मैया मोरी आशा न मोड़ो। बंद करो ये सब, बंद करो प्लीज। अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों इतना भड़क रहा है? धैर्य, इस तरह शोर नहीं करते वरना बच्चे को तकलीफ होगी। जो कुछ भी हुआ है वो बच्चे के खातिर अब तुम भूल जाओ। और वैसे भी ये सब तो तुम्हारे बच्चे के अच्छे स्वस्थ और भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ मैं। ये निश्चित हमारे धीरज की परीक्षा। संतोषी के पति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं को हानि पहुंचा लेगा। एक बार जो मैंने कह दिया, बंद करो ये सब। समझ में नहीं आता? ये क्या कर रहे हो धैर्य? ये सब तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कर रही हूं, ऐसा मत करो। बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया समझे ना। कभी एनजीओ वालों को, कभी इनको बुला ले रहे हो। तुम्हारी किसी भी चाल का ना कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। और आप ये क्या बार बार नाटक लगा रखा है? किसी और का पाप मेरे सर पे मत पड़ो। और आप लोग प्लीज जाइए यहां से, हो गया खत्म तमाशा यहाँ पे। अरे इतनी बेइज्जती करानी थी तो बुलाया क्यों था? हाय हाय, कैसे लोग हैं। हाँ ठीक, खैर तुम्हें जरा भी सेंस नहीं किसके सामने क्या बोलना चाहिए। मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। हमारी भक्त की इच्छा का पालन होगा। और आइंदा
तुम दोनों ने मिलकर कोई भी ड्रामा किया ना तो तभी तुम दोनों को घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। अरे सब क्या है, हटाओ इसे।